डाउनलोड करें सागर का अपना सिटी डायरी ऐप और पाएं सागर की सभी शॉप, एजेंसी, होटल, बस बुकिंग और पाएं 5-25% तक का कैशबैक ऑफर। सागर में रविवार को एक बार फिर से 12 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें बीएमसी और अन्य जगहों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें एक डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में आए हैं। बात करें तो सागर में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर अब 625 पर पहुंच गई है। वहीं स्वस्थ होने वाले 7 लोग हैं। इस तरह अब तक 462 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इसके अलावा कोरोना से कुल अभी तक 35 मौतें भी सागर में हो चुकी हैं। इस बात की पुष्टि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब के प्रभारी डॉक्टर सुमित रावत ने की है। उनके मुताबिक जो नए 12 मरीज मिले हैं, उनमें 31 साल के पुरुष शनिचरी वार्ड, 60 साल के पुरुष कटरा वार्ड, 39 साल के पुरुष बाईसा मोहल्ला नरयावली नाका वार्ड, गढ़ा कोटार से 68 साल के पुरुष बंडा के वार्ड नंबर 8 निवासी, 26 साल का युवक, 58 साल के पुरुष शिवाजी वार्ड गढ़ा कोटा, ये कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही 62 साल के पुरुष राजीव नगर वार्ड निवासी, राजघाट रोड निवासी, 47 साल के पुरुष, 30 साल का पुरुष रैली निवासी, 28 साल का युवक राजीव नगर वार्ड, 75 साल की महिला परकोटा, वहीं 45 साल के डॉक्टर जो विजय टॉकीज रोड के रहने वाले हैं, ये भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज दिनांक 26/7/2020 को बुंदेलखंड के मेडिकल कॉलेज वायरोलॉजी लैब एवं अन्य जगहों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इसमें सागर से अभी तक 12 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। पहले 31 वर्षीय पुरुष हैं, शनिचरी वार्ड के निवासी। दूसरे 60 वर्षीय पुरुष, ये कटरा के निवासी हैं। तीसरे 39 वर्षीय पुरुष हैं, बाईसा मोहल्ला नरयावली नाका के निवासी हैं। चौथे 68 वर्षीय पुरुष, ये गढ़ाकोटा के निवासी हैं। पांचवें 26 वर्षीय पुरुष बंडा वार्ड 8 के निवासी हैं। छठवें 58 वर्षीय पुरुष, ये शिवाजी वार्ड गढ़ाकोटा के निवासी हैं। इसके बाद सातवें 62 वर्षीय पुरुष, ये राजीव नगर के निवासी हैं। इसके अलावा आठवें 47 वर्षीय पुरुष राजघाट रोड निवासी हैं। इसके बाद 30 वर्षीय पुरुष, ये रहली के निवासी हैं। और इसके बाद 28 वर्षीय पुरुष राजीव नगर निवासी। इसके बाद 11वीं जो है 75 वर्षीय महिला परकोटा निवासी हैं ये सागर। इसके अलावा 12वें जो है 45 वर्षीय पुरुष, ये विजय टॉकीज रोड निवासी हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। इसके अलावा आज ये अच्छी खबर है कि 7 लोग जिनका इलाज चल रहा था, ये स्वस्थ होके बीएमसी से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। एक बार फिर सभी से मेरी यही निवेदन है कि सावधानी बनाए रखें। आज का यही अपडेट है। नमस्कार। डाउनलोड करें सागर का अपना सिटी डायरी ऐप और पाएं सागर की सभी शॉप, एजेंसी, होटल, प्रॉपर्टी, सरकारी ऑफिस, डॉक्टर, हॉस्पिटल, सभी प्रकार की जानकारी एक ही ऐप पर। साथ ही घर बैठे करें किराना, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की ऑनलाइन शॉपिंग, होटल, बस बुकिंग और पाएं 5-25% तक का कैशबैक ऑफर।